तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट सेबेस्टियन को दिखाते हुए जो एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने पिछले 4 सालों की मेहनत से एक ऐसा फॉर्मूला एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे वो किसी भी इंसान किसी भी जीव को गायब कर सकता है। लेकिन अभी तक वो ऐसी दवा नहीं बना पाया जिससे वो गायब हुए जानवरों को वापस विजिबिलिटी में ला सके और पिछले 11 महीनों से वो इसी चीज पर कड़ी मेहनत कर रहा होता है ताकि वो गायब हुई चीजों को वापस ला सके और 11 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो इसमें आखिरकार कामयाब हो जाता है। दरअसल उसने अपने पहले फॉर्मूले से जिससे वो को गायब कर सकता था उसकी मदद से उसने कई सारे जानवरों को गायब किया था और अब जब उसने गायब से वापस लाने का तोड़ बना लिया था इसीलिए वो अपने साथी लिंडा मैथ्यू और बाकी के कलीग्स को ये बता देता है कि मैंने दवा का फार्मूला खोज लिया है और तुम सब के सब लैब में आ जाओ। अब ये इजाबेल नाम की उस गोरिल्ला को जिसे इन्होंने गायब किया था ये बड़ी मुश्किल से उसे बेहोश करते हैं और उसे बेड पर लिटा देते हैं, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं जिसके बाद वो उस पर वो दवा इंजेक्ट करते हैं जिसे लास्ट नाइट ही सेबेस्टियन ने बनाया था ताकि उससे गायब हुए जानवर बस अपने असली रूप में आ सके। खैर जब वो उसके अंदर दवा इंजेक्ट करते हैं तो उस गोरिल्ला को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है और सबको ऐसा लगने लगता है कि अब गोरिल्ला नहीं बचेगी, पर ये उसे करंट का झटका देते हैं जिसके बाद धीरे धीरे उसकी दिल की धड़कन स्टेबल होना शुरू हो जाती है। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे विजिबल होना शुरू हो जाती है और गोरिल्ला वापस अपनी पूरी विजिबिलिटी में आ जाती है। ये देखकर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सारे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। अब यहाँ पर जितने भी प्रयोग और जितनी भी रिसर्च चल रही थी ये सब मिलिट्री के लिए चल रही थी, यानी कि सेबेस्टियन को मिलिट्री द्वारा ही ये काम दिया गया था कि वो कोई ऐसी दवा बनाए जिससे किसी को भी गायब किया जा सके ताकि उसकी मदद से US मिलिट्री पावरफुल हो जाए। पर जब मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ उनकी मीटिंग होती है तो सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि अभी मुझे गायब करने में तो कामयाबी मिल गई है लेकिन मैं अभी उसका तोड़ नहीं बना पाया हूं ताकि गायब की हुई चीजों को वापस विजिबल कर सकूं और इस सब के लिए मुझे कुछ और वक्त चाहिए। मिलिट्री सुपीरियर सेबेस्टियन से कहता है कि हम पहले ही तुम्हें काफी टाइम दे चुके हैं, जल्दी से तुम इसका तोड़ निकालो वरना हम तुम्हारी जगह किसी और को हायर कर लेंगे। अब जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तो लिंडा और मैथ्यू वो सेबेस्टियन से कहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस दवा को इंसानों पर प्रयोग करना चाहता हूँ। अब सेबेस्टियन चाहता था कि वो अपनी इस खोज का क्रेडिट ले और ये सब वो दुनिया के सामने रखना चाहता था और अगर वो मिलिट्री वालों को बता देता कि उसने उसका तोड़ भी खोज लिया है तो मिलिट्री उसकी खोज को और सारी की सारी रिसर्च को अपने कंट्रोल में ले लेती। अब सेबेस्टियन अपने ऊपर उसका प्रयोग करना चाहता था और लिंडा और मैथ्यू को अपने इस काम में साथ देने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों मान जाते हैं और सेबेस्टियन अपनी बाकी टीम से मिलकर उन्हें झूठ बोलता है कि मिलिट्री ने हमें ये दवा इंसान पर प्रयोग करने की इजाजत दे दी है और मैं इसे अपनी बॉडी पर प्रयोग करना चाहता हूँ। लिंडा और मैथ्यू भी उसका इस झूठ में साथ देते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली दवा को इंजेक्ट करवाता है, उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, जिसके बाद फाइनली वो गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने की इस प्रोसेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसे होश आने में 17 घंटे लग जाते हैं। जब वो होश में आता है तो उसे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, वो कहता है कि लाइट बंद करो। इसके बाद रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। सेबेस्टियन अब पूरी तरह गायब था, उसका चेकअप किया जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल थी लेकिन उसकी टीम मेंबर में जो भी लड़कियां थी उसे उसके पास अजीब लगता था क्योंकि सेबेस्टियन एक ठरकी टाइप का इंसान होता है, इसीलिए ही लड़कियों को उसके आस पास अजीब लगता था क्योंकि पता नहीं कि ठरकी सेबेस्टियन कब क्या कर दे। अब सेबेस्टियन को गायब हुए 3 दिन हो जाते हैं और अब उसे वापस लाने का यानी कि विजिबल करने का वक्त आ गया था, जिसके बाद उसके अंदर विजिबल करने वाली दवाई इंजेक्ट की जाती है जिससे वो दोबारा दिखना शुरू हो जाए। जब उसके अंदर दवा इंजेक्ट की जाती है तो सेबेस्टियन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और ये दर्द तकलीफ वैसी नहीं थी जैसी उसे गायब होते वक्त हुई थी, इसीलिए वो विजिबल नहीं हो पाता और मरते मरते बचता है। इसके बाद सेबेस्टियन के लिए एक मास्क बनाया जाता है ताकि सब उसे देख सके और अब सेबेस्टियन को गायब हुए 10 दिन हो जाते हैं। सेबेस्टियन अपने इस गायब रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि जब से वो गायब हुआ था वो ठीक से सो नहीं पा रहा था और इसी के चलते उसकी मैथ्यू से बहस भी होती है। वो मैथ्यू पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि पिछले 10 दिनों में तुमने मुझे जितनी सुइयां चुभाई हैं उसका दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ। अब सेबेस्टियन की दिमागी हालत भी कुछ अलग हो गई थी क्योंकि वो पिछले 10 दिनों से गायब है और यहाँ पर कैद है, वो यहाँ से निकलना चाहता था। एक दिन सेबेस्टियन बहुत ऊब जाता है और वो लैब से निकलकर अपने घर आ जाता है और जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक लड़की है जो नहाने के लिए जा रही होती है। दरअसल सेबेस्टियन की इस लड़की पर काफी वक्त से नजर होती है और अब वो गायब था, इसीलिए सेबेस्टियन अपना मास्क उतार देता है और उस लड़की की डोरबेल बजाता है। जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि सेबेस्टियन इनविजिबल था और वो मौका पाकर उसके घर के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद वो उस लड़की का बहुत बुरी तरह से रेप कर देता है। इसी बीच लिंडा सेबेस्टियन के घर आ जाती है और वो देखती है कि सेबेस्टियन का मास्क उतरा हुआ है। इस बात से लिंडा बहुत डर जाती है और वापस लैब में आ जाती है, जिसके बाद वो सब डिस्कस करते हैं कि जब तक सेबेस्टियन गायब है वो सबके लिए खतरा हो सकता है क्योंकि वो बिना मास्क के घूम रहा है। लेकिन तभी
यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। लिंडा उससे कहती कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो वो कमेटी को सब कुछ बता देगी, यानी कि मिलिट्री और बाकी के लोगों को जो इस एक्सपेरिमेंट के पीछे थे। खैर सेबेस्टियन लिंडा की बात को मान जाता है, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं एक डर होता है, क्योंकि सब लोग सेबेस्टियन की आदत से वाकिफ होते हैं। किसी को कोई अंदाजा नहीं होता कि वो कब क्या कर दे, लेकिन ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो सेबेस्टियन पर 24 घंटे थर्मल कैमरा से उस पर नजर रखेंगे। अब सेबेस्टियन जानता था कि कैमरे से उस पर नजर रखी जा रही है और वो इस लैब से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो कैमरे से छेड़छाड़ कर देता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है। इससे ये लगता है कि सेबेस्टियन वही है और वो वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद वो लिंडा के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि लिंडा का अफेयर उसी के कलीग मैथ्यू से है। इस बात से सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और अब गुस्से में वो उसके घर की खिड़की का कांच तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, पर उसे शक होता है कि शायद वो सेबेस्टियन था। और जब वो लैब में फोन करती है तो लैब में जो आदमी बैठा होता है वो कहता है कि सेबेस्टियन मेरी नजरों के सामने है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो बस एक रिकॉर्डिंग है। जब सेबेस्टियन वापस लैब में आता है तो बहुत गुस्से में होता है, इसीलिए वहाँ पर गायब कुत्ते को मार देता है। अगली सुबह जब जानवरों की डॉक्टर सभी जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुत्ता मरा हुआ है, और वो इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी वो कंफर्म करने के लिए सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी नहीं पता चलता। रात को फिर सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है और लिंडा को शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई है। इस बार वो खुद लैब जाकर देखती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है, सेबेस्टियन यहाँ पर नहीं होता। और लिंडा अब ये फैसला करती है कि वो सारी रिपोर्ट इस पूरी प्रोजेक्ट की हेड को यानी कि डॉक्टर क्रेमर को बताएगी। अब मैट और लिंडा डॉक्टर क्रेमर के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर क्रेमर को बहुत गुस्सा आता है, वो मैट और लिंडा को इस प्रोजेक्ट से निकाल देती है। उनके जाने के बाद डॉक्टर क्रेमर ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताना चाहता था, लेकिन उनका फोन डेड था। दरअसल सेबेस्टियन वहाँ पर पहुँच चुका था, वो डॉक्टर क्रेमर को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालता है। अगली सुबह सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है और यहाँ पर लिंडा और मैथ्यू डॉक्टर क्रेमर के फोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उनका फोन नहीं आता। और जब लिंडा उनके घर पर फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई है। इसके बाद लिंडा ये डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग इस लैब के अंदर आए हैं और यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं सिर्फ वही लोग जानते हैं कि सेबेस्टियन इनविजिबल यानी कि गायब है, इसके अलावा कोई भी नहीं जानता। अब ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुलता, और ये काम सेबेस्टियन का ही था, सिर्फ और सिर्फ सेबेस्टियन की आईडी ही अनलॉक थी। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि हमें सेबेस्टियन को किसी भी हालत में पकड़ना होगा, और सेबेस्टियन अभी भी इसी लैब में है। जब वो सब यहाँ से निकलते हैं तो जेनिस के पीछे कुछ छूट जाता है, और जब वो उसे लेने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार डालता है। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन हम सबको मारना चाहता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि सेबेस्टियन गायब हो चुका है। अब लैब का एक ट्रेसर मैप होता है जिसके जरिए वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं, और उसे वहाँ पकड़ने के लिए दो लोग जाते हैं, मैथ्यू और कार्टर। लेकिन सेबेस्टियन कार्टर को जख्मी कर देता है, लेकिन मैथ्यू उस पर फायर करता है, लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। कार्टर अब बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था और उसे ब्लड की जरूरत थी। सारा ब्लड लेने के लिए जाती है और वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है, जिसके बाद सेबेस्टियन सारा को भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ कार्टर की भी मौत हो जाती है, और अब यहाँ पर तीन ही लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। अब ये सब सहरा को ढूंढने के लिए जाते हैं जो खून लेने के लिए गई थी। सहरा की लाश उन्हें एक फ्रीजर के अंदर मिलती है, और इसी दौरान सेबेस्टियन फ्रैंक के अंदर एक लोहे की रॉड घुसाकर उसे भी मार डालता है। जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसे भी जख्मी कर देता है, और वो मैथ्यू और लिंडा को एक फ्रीजर के अंदर बंद करके यहाँ से चला जाता है ताकि ये दोनों अंदर ठंड से जमकर मारे जाएं। अब फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है, लेकिन लिंडा हार नहीं मानती। वो दरवाजे का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती है। तभी मैथ्यू बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जख्मी होता है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक बॉम्ब बनाता है, उसमें टाइमर सेट करता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। इधर लिंडा भी किसी न किसी तरीके से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है। दरवाजा खुलने के बाद वो मैथ्यू को उस फ्रीजर रूम से बाहर निकालती है और उसके सामने आग जला देती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। अब वो उस तरफ जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है, और दरवाजा बंद ही होने वाला होता है कि तभी लिंडा एक सिलेंडर लेकर यहाँ पहुंच जाती है और सेबेस्टियन में आग लगा देती है, और सेबेस्टियन को बहुत बुरी तरीके से जलाने लगती है। सेबेस्टियन जल चुका था और उसके सारे कपड़े भी जल चुके थे, जिसके बाद वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। सेबेस्टियन अब बहुत गुस्से में होता है और अब वो सिर्फ लिंडा को मारना चाहता था। लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है जिससे पानी गिरना शुरू हो जाता है, और अब सेबेस्टियन नजर आने लगता है, लेकिन वो लिंडा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसका गला
गला घुटने लगता है, उसका दम घुटने लगता है और वो मरने ही वाली होती है। लेकिन तभी पीछे से मैथ्यू आकर सेबेस्टियन को रोड से मारता है, जिससे सेबेस्टियन वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन सेबेस्टियन अभी भी जिंदा होता है और वो उसी रोड को उठा लेता है जिससे उसे मैथ्यू ने मारा होता है। वो मैथ्यू को मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन मैथ्यू को पता चल जाता है और वो उसे धक्का दे देता है, जिससे सेबेस्टियन के हाथ में जो रोड होती है वो इलेक्ट्रिक वायर से लग जाती है, जिससे सेबेस्टियन को लाइट पकड़ लेती है और वो करंट से झुलस जाता है, जिससे सेबेस्टियन बेहोश होकर यहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहां पर सेबेस्टियन ने बॉम्ब लगाया होता है, लेकिन ये समझ जाते हैं कि इसे फटने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद यहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ये लिफ्ट से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने उनकी हर जगह से एंट्री और एग्जिट बंद कर दी थी, इसीलिए लिफ्ट के ऊपर से इमरजेंसी एग्जिट की मदद से बाहर निकलती है और ऊपर जाने लगती है। तभी बॉम्ब भी फट जाता है, ये धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। तभी सेबेस्टियन लिंडा का नीचे से पैर पकड़ लेता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ठरकी सेबेस्टियन अभी भी जिंदा है। मैथ्यू उसे बचाने के लिए नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंचता, सेबेस्टियन लिंडा को पकड़कर नीचे लिफ्ट पर कूद जाता है और वो वहां पर लिंडा से कहता है कि आखिरी बार मुझे किस करो पुराने दिनों के खातिर। लिंडा उसे किस करती है और वो उस केबल को पकड़ लेती है जो लिफ्ट के साथ लगी होती है, जिसके सहारे लिफ्ट ऊपर और नीचे आती है। अभी यहां लिंडा बड़ी ही चालाकी से एक ट्रिगर दबा देती है, जिससे सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है और बॉम्ब की वजह से जल रही आग में झुलसकर मारा जाता है। अब लिंडा धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और मैथ्यू उसे पकड़ लेता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।